नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। सो दोस्तों, सामने से आप देख सकते हैं स्वराज का 834 XM बिल्कुल डिलीवरी के लिए नया ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। सो एक बार मैं इसका वीडियो आपको दिखाऊं, अगर मैं इसका लुक आपको दिखाऊं तो सामने से अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ व्यू हमें देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे सामने आदर्श मोटर्स बदायूं में ये ट्रैक्टर डिलीवर हो रहा है, पूरी जानकारी यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको बात करें हेडलाइट्स के बारे में, तो आपको हेलोजन हेडलाइट्स का सेटअप दे रखा है प्रॉपर स्वराज की ब्रांडिंग के साथ। काफ़ी बड़ी जाली आपको दे रखी है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हवा ट्रैक्टर में जा सके। उसके बाद दोस्तों यहाँ से स्वराज 834 XM की पूरा स्टिकरिंग और ब्रांडिंग जो दे रखी है दोस्तों, काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन का स्टिकर यहाँ पे लगा हुआ है, बहुत ही तगड़ा लग रहा है देखने में। उसके बाद दोस्तों बात करें इसके टायर्स के बारे में, तो आगे के जो टायर्स हैं वो 6/16 के और पीछे के टायर्स 13/6/28 के ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाते हैं। बात करें इसके यहाँ पे डबल पंप दे रखे हैं, एक पंप आपका पावर स्टीयरिंग का है और दूसरा पंप आपको लिफ्टोमेटिक यानी कि जो हाइड्रोलिक होता है उसका आप दे रखा है। हाइड्रोलिक फिल्टर, इंजन ऑयल का फिल्टर यहाँ पे आपको दे रखा है। सेल्फ स्टार्टर मोटर यहाँ पे आपको दे रखी है दोस्तों। और साइलेंसर जो दे रखा है वो बहुत ही स्पोर्टी और वो स्टैंडर्ड साइलेंसर आपको दे रखा है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और बात करें दोस्तों इसके ब्रेक्स के बारे में, तो ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे हैंड ब्रेक आपको दे रखा है। पोजीशन ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर आपको दे रखे हैं प्रॉपर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद एक बार पीछे से मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा सा, तो पीछे से दोस्तों इस तरीके का व्यू हमें देखने को मिल जाएगा। पूरा का पूरा टॉप मॉडल ट्रैक्टर है और डबल ऑक्सिलरी वॉल्व के साथ आपको दे रखा है दोस्तों। 35 HP रेंज में आपको डबल ऑक्सिलरी वॉल्व कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है, लेकिन आपको यहाँ पे ट्रॉली के लिए या फिर कोई भी हाइड्रोलिक इंप्लीमेंट आपको चलाना है, जैसे रीपर हो गया, आजकल के जो रीपर आ रहे हैं वो चल रहे हैं हाइड्रोलिक से, तो आपको डबल ऑक्सिलरी वॉल्व दे रखे हैं कि सारे के सारे हाइड्रोलिक इंप्लीमेंट आप चला सको, कंपनी से ही आपको दे रखा है, अलग से लगवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। बात करें लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में, तो दोस्तों इसमें आपको 1600 kg की लिफ्टिंग आपको मिल जाती है। और इस ट्रैक्टर से आप चाहें तो 6 फुट का मांझा भी चला सकते हैं, क्योंकि 7 फुट तो खैर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन 6 फुट का मांझा आप इजीली चला सकते हैं। और दोस्तों PTO यहाँ पे आपको दे रखी 540 चक्कर प्रोड्यूस होते हैं 2000 रेटेड RPM पे, पूरा आप यहाँ पे देख सकते हैं। और टॉपलिंग यहाँ पे दे रखी, होल्डर दे रखा है, और यहाँ पे रिफ्लेक्टर, पानी की बोतल 2 लीटर की यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो एक बार मैं इस पे ड्राइवर सीट पे बैठ के आपको दिखाता हूँ कैसा गियरबॉक्स है। तो यहाँ पे इजीली प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो ऐसा प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिल जाता है। और सीट अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी बड़ी डिलक्स सीट मिल जाती है, तो ऐसा कुछ व्यू हमें देखने को मिल जाएगा। तो एक बार ड्राइवर सीट पे बैठते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू हमें देखने को मिलेगा। डैशबोर्ड के बारे में अगर बात करें तो इस तरह का डैशबोर्ड आपको मिल जाता है देखने के लिए, जो कि पूरा एनालॉग आपको दे रखा है। सारे के सारे जो इंडिकेशन है वो आपको एनालॉग में शो करेंगे, जैसे आपका सारे जो फ्यूल मीटर हो गया, ट्रैक्टर का टेम्परेचर, प्रेशर हो गया, बैटरी की हेल्थ हो गई, RPM और कितने घंटे चला हुआ, सारे के सारे आपको एनालॉग में शो करेगा। बात करें गियरबॉक्स के बारे में, तो दोस्तों इसका मेन गियर का लीवर यहाँ पे आपको दे रखा है, इसमें 1, 2, 3, 4 गियर दे रखे हैं और ये लोहाई का दे रखा है। तो इस तरीके से आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स का स्लाइडिंग और कांस्टेंट मैस की कॉम्बिनेशन के साथ में आपको स्पीड आपको मिल जाती है 8 आगे की और 2 पीछे की। क्लच के बारे में बात करें, 280 mm डायफ्राम का क्लच आपको मिल जाता है, डुअल क्लच है, जो कि इसी वाले क्लच से आपका आधा दबाएंगे तो आपका जो PTO ऑपरेट होगा पूरा दबाएंगे, सॉरी आधा दबाएंगे गियर और पूरा दबाएंगे तो PTO ऑपरेट आपका होगा। यहाँ पे आपको टूलबॉक्स दे रखा है जिसमें अपना कोई भी जरूरी सामान इसमें आप रख सकते हैं इस तरीके से। आपका क्या नाम है, नाम और पता बताओ जरा। नाम हमारा भूरे है और गांव हमारा उसावा है। अच्छा जी, तो भूरे भाई ये बताओ ट्रैक्टर बाजी कितने दिन से, ट्रैक्टर कब से चला रहे हो आप? हम ट्रैक्टर बाजी कर रहे हैं 8 साल हो गए मुझे। 8 साल हो गए, तो पहले शुरुआत से अपना ही चलाया था या फिर पहले किस... अपना नाम ड्राइवरी कर रहे थे। ड्राइवरी करी कितने साल तक ड्राइवरी करी है? 8 साल। 8 साल कौन से ट्रैक्टर चलाया था? हमने पहले चलाया महिंद्रा, उसके बाद चलाया स्वराज 855, उसके बाद अपना चलाया सर, अभी ये लेने आए ये ले। अच्छा अच्छा, तो सबसे बढ़िया ट्रैक्टर आपको अब तक का कौन सा लगा? अब स्वराज कंपनी अच्छी लग रही है, स्वराज लेने आए। अच्छा अच्छा अच्छा, स्वराज का पहला ट्रैक्टर आपका ये? हाँ ये पहला ट्रैक्टर। अच्छा, तो XM आपने चुना है, ये इसको XM क्यों चुना? 8 744 आता है ये, हमने इसलिए चुना है डीजल कम खाता है। अच्छा, डीजल कम खाता है और ट्राली पे चलो तो भी डीजल कम खाता है। अच्छा, ट्राली पे जुताई पे डीजल कम खाता है। क्यों डीजल कम खाता है? क्योंकि इसको इसीलिए बनाया गया, इसका मॉडल का नाम है 734 XM। XM का मतलब क्या? एक्स्ट्रा माइलेज, ज़्यादा माइलेज आपको देगा। ठीक है, और कुछ अगर बताना चाहें आप ट्रैक्टर, इस ट्रैक्टर के बारे में थोड़ा कुछ पता है आपको? तो सही है ट्रैक्टर, कोई बढ़िया है? हाँ बढ़िया ट्रैक्टर है। चला के देखा था? हाँ चला के नहीं देखा, चला के देखेंगे। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोगों के लिए ये ट्रैक्टर बहुत ही कामयाब रहे, मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो ये हो गया पूरा ट्रैक्टर का इन्फॉर्मेशन। और दोस्तों अगर इस ट्रैक्टर को अगर आप खरीदना चाहते हैं, कोई और जानकारी अगर आपको चाहिए, तो यहाँ पे आदर्श मोटर्स बदायूं में आकर के पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। और मैं इनका नंबर मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा, पूरी जानकारी आपको दे सकते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।